पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एश वर्सेस प्रोफेसर ओक की बैटल कंटिन्यू होती है चार्जार्ड वैली में, जहां पर फाइनली प्रोफेसर ओक अपने सीक्रेट फेनोमेना का यूज करते हैं, जिससे उनका चार्जार्ड एक अलग ही फॉर्म में आ जाता है। वो इस फेनोमेना को पहली बार यूज कर रहे थे, इससे पहले उन्होंने इसको टेस्ट नहीं किया था और इस फेनोमेना को उन्होंने खुद से बनाया था। वैली फॉर्म में जाने के बाद प्रोफेसर ओक का चार्जार्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है और वो एश के चार्जार्ड को वन साइडेड डिफीट कर रहा होता है। अब आगे प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड ने एश के चार्जार्ड को हवा में ही रोक लिया था स्टील विंग यूज करते हुए। एश बोलता है चार्जार्ड तुम्हें बचना होगा, जल्दी से प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड के पकड़ से निकल जाओ। एश का मेगा चार्जार्ड एक्स काफी ज्यादा कोशिश करता है बट इसके बाद भी वो नहीं निकल पाता। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि चार्जार्ड टाइम हो चुका है हमारे स्पेशल मूव को टेस्ट करने का। एश बोलता है क्या स्पेशल मूव? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हां ये उन कुछ स्पेशल चीजों में से एक है जो कि मैंने इस फेनोमेना में ऐड की है और अब हमें इसको टेस्ट करना होगा। चार्जार्ड अभी के अभी हाइपर मैक्स वाइल्ड फायर मूव का यूज करो। मिस्टी बोलती है हाइपर मैक्स वाइल्ड फायर, ऐसे मूव के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना है, लगता है ये एक स्पेशल और न्यू मूव है जो कि इस फेनोमेना में जाने के बाद एक पोकेमोन के पास आ जाता है। इसका इन्वेंशन प्रोफेसर ओक ने किया होगा। प्रोफेसर ओक का चार्जार्ड इस मूव का यूज कर देता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, इसने पूरे बैटल फील्ड को घेर लिया था। एश का चार्जार्ड चाहकर भी इसको डॉज नहीं कर पाता क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा था साइज में। ये अटैक एश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, साथ में ये पीछे माउंटेन तक जाता है जिससे माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। एश बोलता है कि अब मेरा चार्जार्ड नहीं बचा होगा। यह फेनोमेना हद से ज्यादा ओवरपावर्ड और अनफेयर है, सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि एश का चार्जार्ड हारा है या फिर नहीं। दूसरी तरफ प्रोफेसर ओक का चार्जार्ड अभी भी फुल हेल्थ पे एकदम स्ट्रांग लग रहा था। फाइनली धुआं हट जाता है और सभी लोग ये देखकर डिसअपॉइंट होते हैं कि एश का चार्जार्ड हार चुका है। वो अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ गया था, यानी कि ये बैटल प्रोफेसर ओक और उसके चार्जार्ड ने जीत ली थी। मिस्टी, ब्रॉक और सेना काफी सैड होते हैं बट वहीं पर एश भी काफी डिसअपॉइंटेड होता है बट वो अपने चार्जार्ड के पास जाता है और बोलता है कि चार्जार्ड तुमने काफी अच्छी बैटल करी, इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी तुम्हारी पावर को मैच नहीं कर पा रहा था। इवन जब प्रोफेसर ओक का चार्जार्ड बेस फॉर्म में था तब तुम इस बैटल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे और इसलिए मजबूर होकर प्रोफेसर ओक ने फेनोमेना यूज कर लिया जो कि हद से ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह फेनोमेना से कोई भी पोकेमोन हार सकता है। एश का चार्जार्ड वापस से खड़ा हो जाता है, वो सैड और गुस्से में लग रहा था। एश बोलता है चार्जार्ड क्या हुआ, तभी वहां पर ब्रॉक मिस्टी और सेना आ जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा तुम्हारा चार्जार्ड का ड्रीम था सबसे स्ट्रांग चार्जार्ड बनना पोकेमोन वर्ल्ड का, पर अभी तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी अपनी पावर को शोकेस करने की, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी उसके पास बट वो हार गया। ये टूर्नामेंट चार्जार्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और तभी वो डिसअपॉइंटेड लग रहा है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर ओक आते हैं और बोलते हैं कि एश और चार्जार्ड तुम दोनों ही काफी इंप्रेसिव थे और तुमने काफी अच्छी बैटल करी है, स्पेशली मैं चार्जार्ड की तारीफ करना चाहूंगा कि उसने इतने स्ट्रॉन्ग फेनोमेना का भी सामना किया और काफी देर तक सरवाइव किया। वेल, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरा फेनोमेना बिल्कुल सक्सेसफुल है और मैं इसको यूज कर रहा होता हूँ। चार्जार्ड काफी गुस्से में दिख रहा होता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि चार्जार्ड इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर चार्जार्ड प्रोफेसर ओक की बात नहीं सुनता। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम नंबर 4 रैंक प्लेयर यानी कि प्रोफेसर ओक से हार चुके हो, अब तुम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, बट क्योंकि तुमने चार ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था तो तुम्हारी ऑफिशियल रैंक अब नंबर 5 हो चुकी है, यानी कि तुम चार्जार्ड वैली के एक मेंबर हो, बट इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ हम तुम्हें एक ऑफर देना चाहते हैं, क्या तुम नंबर 5 रैंक ट्रेनर की तरह चार्जार्ड वैली में रहना चाहते हो? एश बोलता है कि इसका क्या मतलब? सिक्योरिटी गार्ड बोलता है बिल्कुल बाकी ट्रेनर्स की तरह अगर तुम नंबर 5 ट्रेनर बनकर चार्जार्ड वैली में रहते हो तो अपोनेंट्स को अपने चार्जार्ड को सबसे स्ट्रांग प्रूफ करने के लिए तुमसे बैटल करनी होगी बाकी सारे 7 ट्रेनर्स के साथ। ये ऑफर एश के लिए काफी अच्छा था बट वो कंफ्यूज होता है कि उसको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। वो सेना, ब्रॉक और मिस्ट्री से पूछता है बट वो तीनों ही लोग मना कर देते हैं क्योंकि एश को पोकेमोन मास्टर बनना था, जिसके बाद एश भी इस ऑफर के लिए मना कर देता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम इस चार्जार्ड वैली से अब जा सकते हो, बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस ऑफर को रिजेक्ट करने का रीजन क्या है? एश बोलता है मेरा अल्टीमेट गोल है पोकेमोन मास्टर बनना और मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड चीज ये है कि मैं यहाँ पर अपने चार्जार्ड की पावर देखने आया था एंड उसको ट्रेन करने आया था। यहाँ पर मेरा एक ही गोल था कि मुझे चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट जीतना है जिससे मेरा चार्जार्ड कॉन्फिडेंट हो जाएगा और उसकी इंडिविजुअल ड्रीम भी पूरी हो जाएगी जो कि ये थी कि उसको पोकेमोन वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट चार्जार्ड बनना था। बट अब हम सैड होकर जा रहे हैं, प्रोफेसर ओक भी काफी सैड होते हैं। वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से तुम पे और तुम्हारे चार्जार्ड पे डिपेंड करता है कि तुम चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट जीतते हो या फिर नहीं जीतते हो, तुम्हें डिफीट एक्सेप्ट करनी होगी। सेना बोलती है कि हाँ एश तुम ये बैटल हार गए हो, तुम्हें अब डिफीट एक्सेप्ट करनी होगी और तुम्हारे चार्जार्ड को भी। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा चार्जार्ड वीक है, उसने नंबर 5 रैंक ट्रेनर तक को डिफीट कर दिया था, स्टिल वो प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड को डिफीट करने में फेल हो गया। एश और चार्जार्ड दोनों ही डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो दोनों ही प्रोफेसर से हाथ मिलाते हैं और चार्जार्ड वैली से बाहर चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हर बार की तरह एश सबसे पहले पोकेमोन सेंटर जाता है जहां पर वो अपने चार्जार्ड को हील करवाता है।
हील करवाने के बाद ऐश अपने शहजाद को बाहर निकालता है, बट वो अभी भी डिसअपॉइंटेड लग रहा था। सैना बोलती है कि शहजाद किसी भी कीमत पे ये बैटल नहीं हारना चाहता था, बट सैडली वो हार गया। शहजाद को हारने की आदत नहीं है, वो ज्यादातर बैटल जीतता था और अगर हारता भी था तो क्लोज ले जाकर हारता था। ये तो पूरी तरह से वन साइडेड बैटल थी जिसके चलते शहजाद इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ऐश बोलता है शहजाद कोई बात नहीं, हम कभी ना कभी दोबारा से शहजाद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और तब हम सभी ट्रेनर्स को वन साइडेड बैटल में डिफीट करके सबसे स्ट्रॉन्ग शहजाद और उसका ट्रेनर होने का टाइटल ले लेंगे। ये सुनने के बाद शहजाद काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो बोलता है बिल्कुल हम तब जरूर टाइटल लेंगे। ऐश बोलता है बिल्कुल। इसके बाद ऐश अपने शहजाद को पोकीबॉल के अंदर ले लेता है और वो लोग उस सिटी में और भी एक्सप्लोर करते हैं। ब्रॉक पोकीमार्ट में जाकर कुछ यूजफुल आइटम्स लेता है, वहीं पर ऐश भी काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करता है। तभी सैना बोलते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि नंबर 4 पे अगर प्रोफेसर ओक थे तो बाकी 3 ट्रेनर्स कौन थे। ये तो अभी भी मिस्ट्री रह गई है। अगर तुम प्रोफेसर ओक को डिफीट कर देते तो हमें पता चलता है कि आगे के 3 ट्रेनर्स कौन है। एंड हाँ, अगर प्रोफेसर ओक इतने स्ट्रांग है तो वो कितने स्ट्रांग होंगे। ऐश बोलता है कि हाँ ये सोचने वाली बात है। मिस्ट्री बोलते है कि पर प्रोफेसर ओक शुरू से इतने स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने एक नया फेनोमेना क्रिएट किया था और उसको डायरेक्टली ऐश के ऊपर टेस्ट किया, यानी कि वो उनके 4000 की ओरिजिनल पावर नहीं थी। इस पावर के साथ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रोफेसर ओक सबसे स्ट्रांग 4000 ट्रेनर बन जाए और ये ऐश के 4000 के ड्रीम के लिए काफी डेंजरस होने वाला है क्योंकि वो सच में काफी स्ट्रांग है। ब्रॉक बोलता है मिस्ट्री तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने आज तक इतना ज्यादा स्ट्रांग पोकेमोन और फेनोमेना नहीं देखा था। प्रोफेसर ओक का 4000 इजीली किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट करने की पावर रखता है। ऐश का 4000 जिसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसने इतने सारे स्ट्रांग लेजेंडरी पोकेमोन तक को डिफीट कर रखा है, वो भी प्रोफेसर ओक के 4000 के सामने हार गया। एक और पॉइंट जो कि हमें नोट करना चाहिए वो ये है कि ये कोई इंटेंस बैटल नहीं थी बल्कि एक वन साइड बैटल थी। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐश का 4000 टक्कर देगा अगर हारता भी है, बट प्रोफेसर ओक का 4000 इतना स्ट्रांग था कि उसने इतने एक्सपीरियंस 4000 को भी वन साइडेड बैटल में हरा दिया। सैना बोलते है कि हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, इस फेनोमेना के साथ तो प्रोफेसर ओक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी तरह से बातें करते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो सिटी के एग्जिट पर पहुंच जाते हैं। ऐश बोलता है कि अभी तक मैं नॉर्डन में फेल नहीं हुआ था, बट ये सिटी का टूर्नामेंट सबसे पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसको मैं नहीं जीत पाया और यहाँ तक की टॉप 3 में भी नहीं जा पाया। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, पर हमें जाना ही होगा। इसी के साथ ऐश और उसके फ्रेंड सिटी से एग्जिट कर लेते हैं, पर तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है